हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर सीख रहे थे। तो उसमें आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में ही मैं आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। तो आइए हम लोग एग्जांपल को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसमें सोचिएगा बिल्कुल मत, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री सीखनी है तो स्टडी विद आकाश लगे रहो, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, आपके सामने ये एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। आइए मैं आपको एक एक स्टेप करके समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग प्राइमरी कार्बन से शुरू करते हैं, प्राइमरी कार्बन से हम लोग नंबरिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। और जो हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलता है उसको हम लोग गोले में भर लेते हैं, ठीक है। हमने लंबी चेन छाट ली, हम लोगों ने नंबरिंग कर ली, उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद चेन का नाम करके आईपीसी नॉमेनक्लेचर क्लियर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग करते हैं इसका ट्रीटमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये है आपके पास, ये छोटा सा एग्जांपल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एग्जांपल है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है। आइए लॉन्गेस्ट चेन छाटते हैं। प्राइमरी कार्बन कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये प्राइमरी कार्बन है, एक ये प्राइमरी कार्बन, तो तीन प्राइमरी कार्बन हमारे पास है। आइए देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर देते हैं, यहीं से 1 2 3 4 5 6, वाओ 6 कार्बन की चेन, लंबी चेन मिल गई, वाओ 1 2 3 4 5 6, वाओ यार 6 कार्बन ये भी मिल रही, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। अब यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, नो ये अच्छी नहीं है, 5 ही कार्बन है, छोटी पड़ रही है ना, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी करने पे हमें 6 कार्बन मिल रही है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर से भी जाने पे, मतलब अगर राइट से हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं तो भी हमें 6 कार्बन, और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ऊपर या नीचे तो भी हमें 6 कार्बन। तो कोई सा भी एक ले लेते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग वो देखेंगे जहां से हमें OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप हमारा सेकेंडरी सफिक्स जो लगता है, ऑल जो फंक्शनल ग्रुप हमारा है OH, वो हमें जहां से नजदीक पड़ेगा हम वहां से नंबरिंग करेंगे। तो हमें नजदीक तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 1 2 1 2 3 नंबर पे मिल रहा है, 1 2 3 नंबर पे मिल रहा है, तो हमें 2 ही नंबर पे मिल रहा है, यहीं से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमने ऊपर वाली ले ली, आप नीचे वाली भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 6 कार्बन की हमें ये प्रिंसिपल चेन मिल गई, इसको हम लोग अच्छे से गोले में ले लेते हैं, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको इतना क्लियर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारी, क्या हो गई, प्रिंसिपल चेन, ठीक है, प्रिंसिपल चेन तो हो गया। देखिए हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, ये दद्दा जी हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, एक ही तो मिला हमें सब्स्टिट्यूएंट, हाँ इसका नाम क्या होगा, आप लोग जानते ही होंगे इसका नाम क्या होगा, 2 ही कार्बन है तो इथाइल ग्रुप, ठीक है, इथाइल, चलो पूरा लिख देते हैं, इथाइल ग्रुप, ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इथाइल ग्रुप। अब देखिए, हम लोगों ने नंबरिंग कर ली, लॉन्गेस्ट चेन छाट ली, ये देखिए हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, 2 नंबर पे हमें ऑल मिल रहा है, और क्या 4 नंबर पे हमें ऑल मिल रहा है, तो ये डाईऑल हो गया सिंपल सा, और 4 नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, इथाइल, ठीक है, 4 नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, इथाइल। आइए मैं आपको अभी छोटा करके पूरा और क्लियर कर देता हूँ, जो आपको थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन और रहता है वो मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने एग्जाम्पल नजर आ रहा है, इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, ठीक है दोस्तों, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार, सपोर्ट करो अपने भाई को, ताकि हम लोग कुछ सीख सकें केमिस्ट्री में, ठीक है, आगे कुछ कर सकें अच्छा सा। ये देखिए आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं, हमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट ही मिला है, तो हम लोग लिख लेते हैं 4 इथाइल, सिंपल सा, 6 कार्बन मिल रहा है, 6 कार्बन का एल का आप लोग जानते ही होंगे, हेक्स लिखते हैं हम लोग, हेक्स लिख दिया। अब ये सिंगल कार्बन, सबसे कम कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखते हैं, एन हेक्सेन लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या मिला था, 2 और 4 पे हमें क्या मिल रहा था, ऑल मिल रहा था, 2 है तो इसलिए डाई लिख दिया, डाई 2 4 डाई ऑल, बस खत्म, सिंपल सा है यार। ये हो गया इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, ये आपका राइट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब, एक बार फिर से कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, तो वीडियो देखना ना भूलें। जय हिंद।